मेरे भाई, मैं ये सोचता हूँ हमेशा, जिस बंदे ने खेसारी लाल जादव को हमेशा बुरा कहा, हर वक्त खेसारी लाल जादव जी को नीचा दिखाया, और उसके लिए खेसारी लाल जी ऐसे सोचते हैं, पूरा वीडियो में बने रहो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर ओझा, फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। लेकिन उससे पहले आपका भाई रिक्वेस्ट करेगा, चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई हमेशा ही भोजपुरी में जोड़ने की बातें करता है, तोड़ने की बातें नहीं करता है। जी हाँ, पूरा वीडियो में बने रहें। सबसे पहले यही बोलूंगा कि फेसबुक पेज का मैंने लिंक दे दिया है, जिसको भी जुड़ना है प्लीज़ जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर भी हम खेसारी लाल जी का अपडेट और भोजपुरी का अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों जरूर पेज को लाइक कर देना। आप पिछले दिन खेसारी लाल यादव जी एक इंटरव्यू दिए हैं जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है। जी हाँ, चिंटू को लेकर दिए हैं इंटरव्यू, प्रदीप पांडे चिंटू को लेकर। आप भी जानते हैं प्रदीप पांडे चिंटू जी कभी भी पीछे नहीं हटते खेसारी लाल जी को नीचा दिखाने में, हमेशा ही जब इंटरव्यू छोड़ के भाग जाना, खेसारी लाल जी को धमकी देना, खेसारी लाल जी को बोलना कि खेसारी लाल जी को मैं मारूंगा, बहुत पहले हुआ था ये, आपको याद होगा। तो खेसारी लाल जी ने उसके बदले में क्या कहा आपको समझना पड़ेगा। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बहुत सोचने की विषय है। एक एक्टर को, एक सुपरस्टार को आप इतना भद्दा भद्दा बोल रहे हो, तब भी वो सुपरस्टार क्या बोलता है, इसीलिए वो सुपरस्टार है। देखो खेसारी लाल जी साहब सब कहते हैं कि राजकुमार पांडे जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मैं पिता का दर्जा देता हूँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, चिंटू राजकुमार पांडे जी का बेटा है तो मेरा भी बेटा हुआ। खेसारी लाल जी ने बहुत अच्छे से चिंटू जी का ले लिया, खेसारी लाल यादव जी ने बहुत अच्छे से चिंटू जी का ले लिया कि खेसारी लाल जी का बेटा है चिंटू। और कहने का मतलब है, इसे गलत रूप में मत लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया मैटर को, क्योंकि खेसारी लाल जी इतना अच्छा बोलते हैं कि लगता है कि सुनते ही रहे। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के अंदर एक्स फैक्टर है, जब भी वो बोलते हैं लगता है कि हमें कि और कुछ बोले और कुछ बोले, उस तरह खेसारी लाल जी का भी। जी हाँ, इतना अच्छा बोलते हैं, सच में बता रहा हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, और यही कारण है कि पब्लिक उन्हें बहुत पसंद करती है। खेसारी लाल जी ने साफ साफ कहा कि चिंटू मेरे बेटे जैसा है, और ज़्यादा उम्र में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं उनके पापा को भैया कहता हूँ और मैं बाप का दर्जा देता हूँ, तो चिंटू कहीं ना कहीं हमारे बेटे जैसा है। और चिंटू अगर मुझे नीचा दिखाना चाहता है तो उससे मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बस मैं यही बोलूँगा कि सबको सम्मान करना सीखना चाहिए। देखो खेसारी लाल जी कितना अच्छा बात बता रहे हैं कि सबको सम्मान करना सीखना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त, टीट फॉर टैट। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब गिव एंड टेक पॉलिसी। अगर किसी को आप रेस्पेक्ट दोगे तो आपको 100% रेस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप किसी को गाली दोगे और लोग बोलेंगे कि रेस्पेक्ट करो, तो कहीं ना कहीं आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। यही रूल है, यही दुनिया का रूल है, वसूल भी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी ने अपने बातों से, अपने वाकपटु अंदाज से खेसारी लाल जी ने सबका दिल जीत लिया। और खेसारी लाल जी ने साफ साफ कहा कि हमें शिष्टाचार सीखना बहुत जरूरी है, हमें सभ्यता, हमें अच्छे चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, और हमेशा ही कोशिश ये करना चाहिए किसी को नीचा ना दिखाएं। आप अच्छा काम करके आगे जाइए तो आपको जनता सपोर्ट करेगी। और देखिए, मुझे आप गाली देकर, मुझे आप नीचा दिखाकर, इंटरव्यू छोड़कर मुझे नहीं दुख दिया, आपने भोजपुरी के उन 10-15 करोड़ जनता को दुख दिया जो कि खेसारी लाल जी को लाइक करते हैं। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी ने बड़े प्यार से चिंटू का जवाब दिया और चिंटू जी का अच्छे खासा ले लिया। जी हाँ दोस्तों, स्टाइल में चिंटू को जवाब दिया है, और क्या वो सही किया है कि नहीं, जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।